हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। भाजपा पार्टी जो जनता के हित की बात करती है, जो लगातार कहती है हमने अच्छे काम किए हैं, हमें गिनवाने की जरूरत नहीं है, जनता खुद ही जानती है कि हमारे काम क्या है और हमने क्या क्या किया है, ऐसे दावे करते हुए अमित शाह और मोदी हर बार दिखाई देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषण में विपक्ष पर निशाना साधते रहते हैं और लगातार सिर्फ यही वो नारा लगाते हैं, भाजपा सरकार अच्छे काम, अच्छे काम हमने किए हैं, अच्छे काम जनता देख रही है हमारे। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से भी उन पर निशाना साधा जाता रहा है और अभी भी जा रहा है और लगातार जाता रहेगा विपक्ष की तरफ से भाजपा पर निशाना, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो चुका है। जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हुई थी, जनता को लगने लगा था कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी सुधरती हुई नजर आएगी, वो अपनी नीतियों में बदलाव करेगी, वो अपने इस एक्ट को लेकर फिर से गंभीरता से सोचेगी। क्यों? क्योंकि जनता परेशान है, जनता लगातार सड़कों पर है और जनता लगातार सरकार से यही मांग कर रही है कि वो अपनी आंखें खोले और वो जनता के बारे में सोचे, उनकी परेशानियों को लेकर सोचे। उसी को लेकर अब आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव ने फिर से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को अपने घेराव में ले लिया है और उन्होंने कहा है कि लगातार जनता को यही उम्मीद थी कि जैसे जैसे नया साल की शुरुआत होती जाएगी, जैसे धीरे धीरे समय आता जा रहा था जब नए वर्ष का, तो जनता को उम्मीद जागने लगी थी कि भाजपा की आंखें खुलेंगी, वो अच्छे काम करेगी और जनता के हित के बारे में सोचेगी। लेकिन नया साल आ गया और धीरे धीरे अब ये महीना भी गुजरता जा रहा है, लेकिन वो अपने एक्ट को लेकर वहीं अड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, सुरक्षा है, पुलिसकर्मी हैं, जिनको लेकर काफी कुछ सोचना है सरकार को, मोदी सरकार को। लगातार सिर्फ एक दिल्ली की बात नहीं है, हर राज्य में, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए कि महिला सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्क है योगी सरकार। अब अखिलेश यादव ने यहाँ पर उन पर निशाना साधा है और बोला है कि गरीबों की फौज और बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा वर्ग डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है उनके पास, रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो परेशानियां ही परेशानियां, और इन परेशानियों के चलते एक युवा आत्महत्या कर लेता है, एक किसान कर्ज के बोझ में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। वहीं महिलाओं सुरक्षा को लेकर कोई भी कड़े पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते, राज्यों से खबरें आती हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी हुई है, ये सारी घटनाएं सामने आती हैं। तो उसी को लेकर अखिलेश यादव ने अब भाजपा सरकार को निशाने पे ले लिया और उनकी सभी नीतियों को और सभी कुंडली को खोल के रख दिया कि किस तरीके से ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर नया साल तो शुरू हो गया लेकिन भाजपा सरकार वैसी की वैसी है जैसे सरकार में जब आई थी, जब वो सत्ता में आई थी। अब ऐसे में वो कैसे जीतेगी दिल्ली विधानसभा का चुनाव, कैसे बिहार में जीतेगी, कैसे, जब आपको बता दें झारखंड में तो हार देख ली, महाराष्ट्र में भी हार देख ली, लगातार अब ये भी कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अब दिल्ली में भी करारी हार देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव का दावा भी यही है कि अब भाजपा सरकार ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है क्योंकि उनकी नीतियां ही ऐसी हैं। अब ऐसे में आपका क्या कहना है अखिलेश यादव को लेकर कि उनका जो ये बयान था भाजपा सरकार को लेकर, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें SPN9 न्यूज़।